भाइयों जो हमारी आज की वीडियो है, आज की वीडियो दोस्तों आपको मैं मेस्सी के दो तीन ट्रैक्टर ऐसे दिखाऊंगा जो बिल्कुल ही ऐसे कह दीजिए कि एक्सपोर्ट मॉडल ट्रैक्टर हैं, लेकिन वो इंडिया में खड़े हैं, पटियाला कबाड़ बाज़ार में वो ट्रैक्टर खड़े हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ जो आपके सामने ट्रैक्टर खड़ा है, ये इस पर जो बोल्ट लगा हुआ है वो मेस्सी 9500 स्मार्ट का बोल्ट लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने इसके हाव भाव से ट्रैक्टर के देखे तो ये मेस्सी 9500 नहीं है, ठीक है जी। उससे थोड़ा सा पता लगा तो इसके टायरों से, जो इसके पिछले टायर हैं वो 18430 के हैं, ठीक है जी। लेकिन टायर भी 9500 में टायर बड़े भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन और काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसका जो इंजन है वो भी एक अलग तरीके का इंजन है, क्योंकि इसमें जो टर्बो है, देखो मेस्सी 9500 में जो टर्बो है वो इससे छोटा टर्बो है, वो तो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ को मैं जानता हूँ कि जो मेस्सी 9500 का टर्बो है वो इस टर्बो से छोटा है, ठीक है। और उससे जो दूसरी बात है मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि जो इस ट्रैक्टर का इंजन है, इसमें देख लीजिए कि इंजन भी ये 75 HP का ट्रैक्टर लग रहा है मुझे, कम से कम भी जो 2635 आता है मेस्सी का वो लग रहा है मुझे, ठीक है। और 4 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ ये ट्रैक्टर है, और 4-व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर है। आप इसका सारा सिस्टम तामझाम देख सकते हो, ठीक है जी। आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ ऊपर से, मेस्सी 9500 स्मार्ट सीरीज़ का मैंने देखा हुआ है, वो इस तरीके का नहीं है। तो ये बड़ा ट्रैक्टर है, ये 2635 है, ठीक है जी। ये यहाँ पे कवाड़ में खड़े हैं, ठीक है भाई। ये देख लो, इसका फ्रंट एक्सल भी देख सकते हो आप, ठीक है जी। इस तरीके का होता है दोस्तों, सभी 4x4 का जो फ्रंट एक्सल होता है, स्ट्रेट एक्सल होता है, वो इस तरीके का होता है। इसमें डबल क्रॉसिंग होती है, ठीक है जी। दोस्तों आज मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाया, ये आप इसका देख लीजिए सारा तामझाम। ये ऐसा दो तीन ट्रैक्टर दिखाऊंगा मैं आपको मेस्सी के, ये देख लीजिए। इसमें जो हौजरी वाल है वो भी अपने पूरे क्वाट्रा लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं जी। ये इम्प्लीमेंट जो ऐसे इम्प्लीमेंट चलते हैं 4 हौजरी वाल वाले दोस्तों, ये अपना बाहरी है, अभी हमारे भारत में ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं आए। हो सकता है कुछ जगह हो, लेकिन मैंने अभी देखा नहीं कि जो 4 हौजरी वाल से चलते हो, ठीक है जी। अब दिखाता हूँ मैं आपको, और दिखाता हूँ मेस्सी के बड़े ट्रैक्टर। दोस्तों एक ये ट्रैक्टर खड़ा है मेस्सी का ही, इसके जो ये कमर्शियल ट्रैक्टर लग रहा है जी मुझे, और रोटरी पंप के साथ ट्रैक्टर है। इसका जो इंजन है देखो दोस्तों, इसका इंजन काफ़ी छोटा है, ठीक है जी। ये मुझे 9500 भी नहीं लग रहा, उससे भी छोटा लग रहा है। और इसका सारा सामान निकाल दिया गया, इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें से इसका इंजन वगैरह बचा है, और जो 4-व्हील ड्राइव का जो शाफ्ट वगैरह है वो भी दोस्तों इसमें नहीं बची, वो भी कोई भाई ले गया होगा जिसकी ख़राब होगी होगी। आप देख सकते हो इसमें तो सिर्फ इसका बम्फर वगैरह ही रह गया, जो 4-व्हील ड्राइव का जो सिस्टम है सारा वो रह गया। टायर वगैरह कह सकते हैं, अगले अच्छी कंडीशन में टायर हैं, गुडियर के टायर हैं, ठीक है जी। बोनट वगैरह भी ख़त्म हो गया सारा, पिछले जो टायर हैं ये भी देख सकते हो। खेती में वैसे ऐसे टायर कुछ चलते नहीं हैं, लेकिन सस्ते मिले तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये भी इसके भी देखो दोस्तों, जो हौजरी वाल है अपना, ये क्वाड्रा है जी। ये भी जो मुझे इसमें एक बात अच्छी लगी वो लगी जी, इसका जो ROPS है देखो, ये ROPS है, ये काफ़ी मजबूत है भाई। अगर हमारे ट्रैक्टर पे ROPS ना लगा होता तो मैं शोर यही उतरवा के लेके जाता, ठीक है। देखो कितने हैवी तरीके से लगाया हुआ है, पिछला जो सिस्टम है इसका ही देख लीजिए, हुक वगैरह सब कुछ। अभी भी कुछ सामान इसमें ऐसा है जो ले जा सकते हैं, जैसे कि इसका आप फट्टी वगैरह, जो इसकी लिंक वगैरह है, ये भी क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल है और एक्सपोर्ट मॉडल की वैसे हैं, क्वालिटी प्रीमियम ही होगी। जैसे कि ये साइड एडजस्टर होते हैं, ये चीज, ये वाली, ये भी काफ़ी अच्छी हैं। अब मैं आपको छोटा सा एक छोटा मेस्सी भी दिखाता हूँ,
ठीक है, ये देखो छोटा मैसी मिनी ट्रैक्टर, ये है जी मैसी फर्गूसन 5118S। ये एयर कूल्ड ट्रैक्टर है भाइयों, टैफे एक सिलेंडर है ये। और मैं ये पहला ट्रैक्टर ऐसा देख रहा हूँ, फोर व्हील ड्राइव, ये फोर व्हील ड्राइव है वैसे, ठीक है। ये नीचे से दिखा देता हूँ मैं आपको, इसकी शाफ्ट वगैरह भी निकाल रखी है। ये पहला फोर व्हील ड्राइव ऐसा ट्रैक्टर है जो कि मैकेनिकल स्टीयरिंग में है। ये देख लो, ये पूरा यहाँ से जा रहा है, ये मैकेनिकल स्टीयरिंग में है। ये यहाँ पे देख लीजिए इसका पूरा सिस्टम वगैरह, तीन तरह की इसमें पीटीओ है, 540 मिल जाएगी, ये इकोनॉमी मिल जाएगी, इकोनॉमी 540, ये नॉर्मल, ये 700, अब देखो 540 ये नॉर्मल लाइव, और ये 780, ठीक है जी। दो तीन तरह की पीटीओ है इसमें। ये इसका पिछाड़ी देख लो आप, उसके बाद दिखाता हूँ जी मैं। ये खड़ा है, ये कोई बड़ा ही ट्रैक्टर खड़ा है भाई, मैंने आपको जो दिखाया था उससे भी बड़ा लग रहा है, 2635 है भाई ये। देखो चार सिलेंडर में ट्रैक्टर है, और आप इंजन देखो कितना मैसी का, अब तक का जितने मैंने ट्रैक्टर देखे हैं सबसे बड़ा इंजन इसी ट्रैक्टर का है, 75 HP का, वरना मैसी छोटे से इंजन में ही काफ़ी अच्छी पावर बना देता है। ये भी देखो इसका सामान वगैरह काफ़ी खुल गया, या तो ये ट्रैक्टर दोस्तों यहाँ पे तैयार हो रहा है, या फिर जो उसका सामान वगैरह है वो कोई भाई किसान भाई लेके चले गए। ये देखो ये कि फोर व्हील ड्राइव किस तरीके का है मैसी का, बिल्कुल नीचे से नहीं है, क्योंकि इसकी जो मैसी ट्रैक्टर हैं इनकी जो हाइट है वो दूसरे ट्रैक्टर से काफ़ी कम है, तो साइड में से फोर व्हील ड्राइव निकाल दिया, जो शाफ्ट है अपनी देखो यहाँ से बिल्कुल साइड से जा रही है, आपको दिखाता हूँ, और ऐसे आगे आ गई फ्रंट एक्सल पे। और भाई एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर आपको साफ साफ बताऊँगा, मैं किसी की यहाँ बुराई या अच्छाई नहीं बता रहा, जितने तक भी मैंने फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर देखे हैं 75 HP के, जो अगले ट्रेन के काफ़ी बड़े होते हैं, उसमें सबसे जो पावर स्टीयरिंग मुझे जो रोड लगी छोटी, वो इसी ट्रैक्टर की लगी। छोटी से मतलब है कि जो बारीक रोड है ये वाली चीज़, ये वाली सिलेंडर मुझे बारीक सबसे इसी का ही लगा। ठीक है जी, आप देख सकते हो, पीछे से दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये भी दोस्तों आप देख लो कि इसमें भी हुजरीवाल चार है। ये देख लीजिए कमर्शियल ट्रैक्टर हैं जो यहाँ पे ऑक्शन के थ्रू आए या कैसे भी आए, इसका नहीं पता कह सकते हम, ये देख लो आप। ठीक है जी, ये जो खुला हुआ टायर है इसका इधर पड़ा है, 16930 का टायर है। ठीक है जी, तो भाइयों हमारी आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए।